नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों काफी हलचल दिखाई दे रही है। सत्तासीन पार्टी बीजेपी विधानसभा 2022 की तैयारियों पर अभी से मंथन कर रही है। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के लखनऊ आने पर इन कयासों पर मोहर लग जाती है कि बीजेपी चुनाव से पहले अपनी पार्टी और संगठन को और मजबूत करना चाहती है। सियासी गलियारों में दबे पांव ये चर्चा होने लगी है कि बीजेपी का अंदरूनी मामला ठीक नहीं चल रहा है, उसके नेता संगठन और सरकार से नाराज चल रहे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सभी मौजूद थे। संतोष ने मंत्रियों से पूछा कि अफसर उनकी कितनी सुनते हैं। बैठक से ये भी निकलकर सामने आया है कि कोविड की दूसरी लहर में जनता और कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सारी दिक्कतों का पहाड़ पार करके क्या बीजेपी 300 के पार पहुंच पाएगी, क्योंकि बीते कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये बयान दे चुके हैं कि 2022 में बीजेपी 300 के पार जाएगी। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में संगठन और मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है और लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। अब ये फीडबैक क्या सिर्फ दिल्ली तक पहुंचाने के लिए लिया जा रहा है या फिर इसके पीछे कई कारण, हालांकि अभी तक बीजेपी के कुनबे से ऐसी कोई खबर उठकर सामने नहीं आई है, ना किसी ने इसको लेकर किसी भी तरह का कोई बयान जारी करवाया। अभी सेवा ही संगठन पर सिर्फ चर्चा हो रही है, मात्र इसके ही संकेत मिल पा रहे हैं। इन सबके बीच केशव प्रसाद मौर्य ने 300 के पार चुनौती एक बार फिर से सामने लाकर विपक्ष के लिए खड़ी कर दी है। जिस तरह से उन्होंने ये आवाज बुलंद करी है कि इस बार 300 के पार सीटें आएंगी, तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या कैसे 300 पार सीटें जीतने में बीजेपी सक्षम है और किन बदलावों के साथ 300 पार सीटें लेकर आएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से नेता विवेक श्रीवास्तव, साथ ही साथ हमारे साथ सपा नेता विवेक पांडे और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप यशवर्धन जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दिलीप जी आप पर आना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति समीकरण आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बीएल संतोष का ये जो दौरा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक सेवा ही संगठन और फीडबैक लेने की सिर्फ उसके लिए लोगों से चर्चा की जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता मंत्रियों से अलग अलग चर्चाएं करना और इस तरह से आधे आधे घंटे की उनसे मुलाकात करना, क्या लगता है आपको? कीर्ति जी, वैसे तो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत अप्रोचिंग है, आने वाला है, तो इस समय मीटिंगों का दौर वैसे भी, ये जो राजनीतिक मंथन है ये वैसे भी शुरू होना ही था, लेकिन इस समय जो मीटिंगों का दौर और जो राजनीतिक मंथन चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। बहुत सारी क्यास हैं और सरकार अपफ्रंट माने चाहे ना माने, लेकिन कोरोना काल में उससे बहुत सारी गड़बड़ियां तो हुई हैं और आरएसएस के लोग भी समझ रहे हैं और जो सेवा और संगठन की बात कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि उनकी संगठन ने कितनी सेवा जनता की करी है। और जब सेवाएं शुरू जो मंथन चल रहा है राजनीतिक, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इस समय चुनाव ही मंथन नहीं है। और दूसरा, जो मौर्य जी ने कल बयान दिया है इसका भी बहुत बड़ा मायने है, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था और ये प्रत्यक्ष भी था कि मौर्य जी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं कि मौर्य जी को कोई बहुत अच्छा स्थान पार्टी में नहीं दिया गया। एक डिप्टी सीएम की का लॉलीपॉप उनको दे दिया गया, लेकिन उनकी कहीं कोई पूछ नहीं थी, कहीं कुछ पार्टी के अंदर जो राइवलरी है वो भी चल रही है। योगी जी मौर्य जी की नहीं सुनते हैं, मौर्य जी योगी जी में 36 का आंकड़ा है, ये जनता को पता है। तो अब जब चुनाव आने वाला है और अभी जो पंचायत के चुनाव रिजल्ट आए थे उसमें ये दिखा आपको कि गांव से लगभग भाजपा की सफाई हो गई, मतलब केंद्र में और प्रदेश में सत्ता रहने के बाद और दुनिया भर के मॉडलों का ढोल पीटने के बाद भी अगर पंचायत चुनाव में 700 कुछ सीटें आईं और उससे ज्यादा सपा की आ गई, तो ये भाजपा के लिए चिंताजनक बात है। उनको लग रहा था कि अब जो निचले तबके का वोटर है जिसके ऊपर इनका पूरा वोट बैंक खड़ा होता है, क्योंकि ये मिडिल क्लास को पूछते नहीं है, शहर को पूछते नहीं है,
गांव पर पूरा बेस करते हैं, उस गांव की वोटर ने इस बार इनको दिखा दिया कि वो इनके साथ नहीं है, तो इनकी चिंता बढ़ना लाजमी है और बढ़नी चाहिए। और अगर 2022 में ये अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं तो इनको जनता से कनेक्ट बनाना पड़ेगा। जनता से कनेक्ट इनका बिल्कुल टूट गया है, इनका वोटर इनसे नाराज है। उसका कारण यह है कि इनकी अपनी पार्टी के लोग इनसे नाराज हैं, इनकी पार्टी में अंतर्कलह चल रही है, क्योंकि जो ऊपर शीर्ष पे नेता बैठा है वो नीचे वालों की नहीं सुनता। बिल्कुल दिलीप नीचे वाले जी, अपनी बात कहना चाहते हैं जनता को लेकर के, तो कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, कितने विधायकों ने इस कोरोना काल में चिट्ठियां लिख लिख के शिकायत दर्ज कराई। खुद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने चिट्ठी लिखी, सांसद कौशल किशोर जी ने चिट्ठी लिखी, पूर्व वित्त मंत्री जो थे इनके बरेली के जो विधायक हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी अग्रवाल साहब ने, तो कितने सारे विधायकों ने चिट्ठियां लिखी, कितने सारे विधायक इनके इस कोरोना काल में सदगति को प्राप्त हो गए। तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जनता इनसे नाराज है, इनकी पार्टी के लोग इनसे नाराज हैं। कहीं ना कहीं इस समय बिल्कुल दिलीप जी, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं कोरोना काल में उनकी मौजूदगी नहीं दर्ज दिखी और कहीं ना कहीं उन्हें अलग कर दिया गया था, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बार का ऐलान तो कर दिया है कि 300 पार, लेकिन ये देखना होगा कि 2022 की राह पर वो 300 पार इस बार किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हुए लेके आते। तो इसी पर विवेक जी पर मैं जाना चाहूंगी। श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने ये ऐलान कर दिया है कि इस बार 300 पार, तो 300 पार का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके पीछे एजेंडा तो तय किया होगा, मुद्दे तय किए होंगे? देखिए, केशव जी पूर्व अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उत्साही आदमी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने का तरीका वो अच्छी तरह जानते हैं और जिस तरह से उन्होंने ये लक्ष्य दिया है पूरे कार्यकर्ताओं को अब की बार 300 पार, तो कार्यकर्ता उस लक्ष्य के लिए लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है और लोकतांत्रिक दल है। हमारे यहाँ सबकी सुनी जाती, सबको बोलने का अवसर होता है। जो कवायद चल रही है वो आंतरिक लोकतंत्र का एक दृश्य है कि सबसे पूछा जा रहा, भाई आपकी कुछ सुनी गई, कहाँ सुनी गई, कहाँ नहीं सुनी गई, क्या दुख है, दर्द है, सबकी सुन करके आगे नेतृत्व इसका मंथन करके फैसला करेगा जी। ये उस दिशा में ये कवायद चल रही है। और देखिए, जब 5 साल कहीं किसी की सरकार होती है तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। सरकार को ये भी देखना होता है कि हमको इससे बचकर के चुनाव में जाना है, तो उसकी भी चिंता संगठन को करना है। और देखिए, कोरोना जैसी जो सेकंड वेव आई, कोरोना की सेकंड वेव में सही बात है कि बहुत कैजुअल्टी हुई, हमारे भी ढेर सारे विधायक मंत्री नहीं रहे, हमारे संगठन के बहुत लोग नहीं रहे, सबके साथ हमारी शोक संवेदनाएँ पूरी सहानुभूति है, लेकिन कोरोना जैसा जो महामारी है ये 100 साल में जिस बार इस तरह आई है, इस 100 साल में कहीं आती है इस तरह की महामारी, ये मतलब ये कोई मामूली महामारी नहीं जिससे आज देश जूझ रहा है। इसका मूल्यांकन आम दिनों की तरह इसका नहीं किया जा सकता। और जितना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, उस प्रदेश में जिस तरह से कोरोना से जूझ करके सरकार ने उसको समय रहते उसकी नियंत्रित करने की कोशिश की और उस पर नियंत्रण प्राप्त किया है, उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। समय रहते नियंत्रण ही तो नहीं किया, इसीलिए तो लोगों के अंदर नाराजगी है। समय रहते ही इस चीजों को लेकर जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त ही तो नहीं किया गया। देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार जितने संसाधनों में थी उसमें सरकार जूझी और उसने उस पर काम किया। जिस समय कोरोना ने प्रदेश में दस्तक दी थी, एक भी लैब उत्तर प्रदेश के पास कोरोना टेस्टिंग की नहीं थी। लेकिन विवेक जी, पहली लहर के बाद दूसरी लहर के बीच में आपको नहीं लगता कि समय तो मिल गया था ना? वैज्ञानिकों ने भी ये बता दिया था कि दूसरी लहर आने वाली है। अब जैसे तीसरी लहर की आशंका पहले से ही जताई जा रही है, तो अगर इस पर हम बैठ जाएं और अगर अभी से तीसरी लहर की तैयारी ना करें। IIT कानपुर की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सरकार तीसरी लहर के लिए भी कमर कस चुकी है और ये अपेक्षित है कि तीसरी लहर भी आएगी और सरकार उस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को स्पीड अप कर रही है और प्रयास ये है कि दिसंबर 2020 तक उत्तर प्रदेश में सबका वैक्सीनाइजेशन हो जाए, ये लक्ष्य लेके सरकार चल रही है।
ऐसा नहीं कि सरकार इस कोरोना से जूझी नहीं, सरकार बहुत अच्छी तरह जूझी और समय रहते, जितना बड़ा प्रदेश है समय रहते उस पर नियंत्रण प्राप्त किया। तो ऐसे में सरकार की सराहना भी होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ उसमें कमियां रह गई हों, उन कमियों को ही ढूंढने के लिए पूरी कवायद चल रही है। कोरोना टाइम में डैमेज ही तो हुआ, इसी को तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो बीएल संतोष शायद तक यहाँ आए हुए हैं और उस पर ही मंथन किया जा रहा है। आपके तमाम मंत्रियों से, सांसदों से, हर किसी से जो मंथन का दौर जारी है वो इसी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए है ना जी। जो कोरोना काल में जो हमारे लोग नहीं रहे और जो किसी कार्यकर्ता के मन की पीड़ा है, किसी की मान लीजिए सुनी नहीं कि किसी को कोई दुख दर्द है, उन्हीं दुख दर्दों पे मरहम लगाने का कार्य इस बैठक के माध्यम से हो रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि कार्यकर्ता पूरी उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ पार्टी के कार्यक्रम में लगें और पार्टी को पुराना जो लक्ष्य दिया है केशव जी ने, अब की बार 300 पार, उस लक्ष्य को भेदने में लग जाएं। मतलब इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ही चुनाव आगे संपन्न कराया जाएगा, उसी पर आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, वर्तमान में हमारे प्रदेश आदरणीय स्वतंत्र देव जी हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है और ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता नहीं होगा, छोटा चाहे बड़ा, जिसके साथ स्वतंत्र देव जी ने कार्य न किया और जो स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में कार्य न किया हो। ठीक है विवेक जी, आपको क्या लगता है, उन्होंने तो कह दिया 300 पार, अब आपकी पार्टी सबसे बड़ी इस वक्त विपक्ष में सबसे मजबूत है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि अगर आप लोग अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी को तो मिल गया ना मौका 300 पार बनाने का, क्या लक्ष्य रखा है? कीर्ति जी, मैं अपने दोनों ही भाइयों को मंच पे पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी व्यक्ति, ऐसी परिचर्चा में आप लोगों ने मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया। और अगर ये कहते हैं 300 पार, मैं कहता हूँ 342 के पार। अब ये कह देने से केवल अगर कोई सरकार बन जाए तब तो मुझे लगता है कि चुनाव की भी जरूरत नहीं है, आप कह दीजिए सरकार बन जाएगी। और रही बात भाजपा का, हालांकि ये आंतरिक मुद्दा होता अगर ये चुनाव के नजदीक आने के समय इस तरह की परिचर्चा होती, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, दबे मन से, मुखर मुख से लोग कह भी रहे हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि विवेक भाई साहब हालांकि बैठे हैं, डिबेट का एक हिस्सा है इस समय, मैं आपको बताऊं कार्यकर्ताओं में भाजपा के जमीनी स्तर पे रोष व्याप्त है, या कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सक्षम राजनीतिक पटल पे जिन्हें होना चाहिए था लेकिन उनको पूरी तरह से नजरअंदाज और दरकिनार किया गया चाटुकारिता के आधार पे। आप इस समय जिस विवेक श्रीवास्तव से बात कर रही हैं, इलाहाबाद की पश्चिम विधानसभा में ऐतिहासिक जीत 1.25 लाख के मतदान के साथ इन्हीं के नेतृत्व में भाजपा ने जीती थी। और क्या हुआ, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की उपेक्षा भाजपा ने ही कर दी। अब वो एक इनकी मर्यादा की बात है कि वो इतने समर्पित है कि देखिए ईमानदारी से आज भी ये पार्टी की ही बखान कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में असंतोष है और भाजपा का जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो संगठन की बात करता है, राजनीति में कभी भी सरकार की बात नहीं करता। और एक बात आप समझ लीजिएगा, ये बैठक संगठन की हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की बैठक नहीं हो रही है। सभी लोग जानते थे कि योगी जी को आगामी चुनाव का चेहरा बनाने वाले थे, लेकिन आज क्या कारण है कि इन्हें योगी जी का नाम लेने में भी हिचक हो रही है। हम तो बता रहे हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन जो कवायद पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवेक जी लगाई जा रही थी, योगी जी गर्भ में है ना कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाता है और कितना इनके बीच में असंतुष्ट जो चीजें चल रही हैं उसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं, वो तो उनका निजी मामला है, लेकिन सपा अपना कहां रखेगी, अपना स्थान कहां रख रही है सपा? कीर्ति जी, हमारा स्थान रखने के लिए समाजवादी पार्टी के पास जमीनी स्तर के इतने मुद्दे हैं कि अगर आप मुझे समय दें मैं आपको गिनवा देता हूं। केवल अगर मैं रोजगार की बात कर दूं युवाओं की, तो जो इन्होंने 3.5-3 लाख आंकड़ों की बात की है उसमें 1.25 लाख आंकड़े फर्जी हैं, और बोलिए तो मैं जिम्मेदारी के साथ साबित भी कर दूंगा, अभ्यर्थियों को लाइन पे भी ले लीजिए, अभ्यर्थियों से बात भी कर लीजिए। इन्होंने आंकड़ों को तो गिनवा दिया लेकिन नियुक्ति पत्र किसी को नहीं दिए। UPSSC इनके कार्यकाल 2017 से लेकर अभी तक एक भर्ती बता दीजिए अगर UPSSC ने पूरी की हो या दी हो। आप, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये तो मैं एक पटल पे आपका ध्यान लेके जा रहा हूं केवल, रोजगार, ये जो आंकड़े बताए गए हैं संविदा कर्मी और मनरेगा के आंकड़े इन्होंने दिखाए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो विवेक जी हाईएस्ट है, ये तो पता ही है, सबसे ऊपर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट। सुनिए, यहां मैं एक बात बता दूं आपको, एक अनएम्प्लॉयमेंट का होना किसी भी राज्य में
ठीक अनएम्प्लॉयमेंट की दर के कारण, और एक अनएम्प्लॉयमेंट की दर को बढ़ाए जाने का प्रयोजन दोनों अलग बातें होती हैं। मैं उन भर्तियों की बात कर रहा हूं जिन भर्तियों को बाकायदा परीक्षा के माध्यम से संस्तुति की गई और उनको जांच के नाम पे लटका दिया गया, जबकि 12,460 शिक्षकों की भर्ती में तो इनकी रिपोर्ट भी आ गई कि सारी पारदर्शिता है, सारे नियम तथ्यावली सही है, उसके बाद भी उनको भर्तियों उन अभ्यर्थियों को भर्तियां नहीं दी गई, उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो ऐसी कई भर्तियां लटक गई हैं इनके कार्यकाल में। तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ और कौन से मुद्दे आप उठाने वाले हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? इन्होंने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर में जो अगरबत्तियां चढ़ेंगी, जो इत्र चढ़ाया जाएगा प्रभु को, उसके आखिर कारखाने लगवाने हैं, वो काम हम ही करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं केवल, ऐसे भाव से इन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे जो इन्होंने एमओयू साइन कराए, बताइए कितने रोजगार आ गए, कितनी इंडस्ट्री लग गई, कितने उद्योगपति। विवेक जी, क्या लगता है आपको ये जो मुद्दे आप उठाने वाले हैं उसको लेकर क्या भरोसा जता पाएगी उत्तर प्रदेश की जनता आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर? देखिए कीर्ति, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, अगर आगामी चुनाव की आप बात कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी के पास केवल और केवल आधार है प्रदेश के विकास से जुड़ा, रोजगार से जुड़ा। जिन सरकारी संस्थाओं की इन्होंने निजीकरण के नाम पे कमर तोड़ दी, उससे जुड़े विषय हमारे पास है। कर्मचारी इनसे असंतुष्ट है, तभी इन्होंने देखिए हड़ताल का कानून भी 6 महीने के लिए बाधित कर दिया लगा के। एस्मा लगाने का कोई मतलब नहीं था जबकि लॉकडाउन पहले से चल रहा था। एस्मा लगाने का प्रकरण ही इसीलिए आया क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एलआईयू की रिपोर्ट मिली कि कर्मचारी इनसे असंतुष्ट है। पिछले साल से आपने भत्ते कम बंद कर रखे हैं, ये बताइए, हजारों करोड़ रुपए संगठन के पास चुनाव लड़ने के लिए होता है लेकिन हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप विवेक जी इतिहास की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जो था वो डगमगाया था, तभी 324 सीटें और पटकनी दी थी विपक्ष को, स्वीकार करते तब तो आपने गठबंधन में लड़ा था। हम बता रहे हैं, हम स्वीकार भी करते हैं उस बात को, हम इनकी तरह ये नहीं कि उसमें हम छवि सुधार का काम करेंगे, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती समय में एक तो हमारी राजनीतिक दल के अंदर जब से नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने संभाला, उन्होंने आपराधिक मानसिकता के लोगों को टिकट देने पे मनाही जो लागू की, बंदिश लागू की, उससे हमारी राजनीतिक दल के अंदर आंतरिक रूप से बाहर आई, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन एक संदेश भी दिया कि हम और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को टिकट देंगे जो स्वच्छ राजनीति में आएंगे और जो विकास का प्रचारक होंगे, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ेंगे। अब तो स्वीकार कर रहे हैं कि जनता ने हमको नकारा दिया, लेकिन आज जनता उसी नकारेपन के कारण जिसको नकारा गया उसी को तो जनता भोग भी रही है ना, जनता क्यों असंतुष्ट है इससे बताइए ना। ठीक है, आप एक बात बताइए, इनके मुख्यमंत्री सिलेंडर के लिए लोग, ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पर है, इनके मुख्यमंत्री ने धमकी भरे शब्दों में सबको प्रेरित किया कि कार्रवाई कर देंगे, जब आपको मरहम लगाना चाहिए था घाव के ऊपर उस समय आप उनको धमकियां दे रहे थे FIR की, तो जनता बखूबी समझती है। इस पर हम श्रीवास्तव जी का पक्ष बिल्कुल लेंगे और मैं ये भी चाहूंगी कि आप इसका पक्ष देते हुए मुझे ये भी बताएं कि आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जिस तरह से सपा ने तो ये साफ तौर पर कह दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और हाईएस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबको पता है, तो आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाले और कैसे विश्वास पैदा करेंगे एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए और 300 पार सीटें लाने के लिए? देखिए, वैश्विक मंदी तो पूरी दुनिया में छाई हुई है और ये रोजगारों की समस्या केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य उन प्रदेशों में भी जहां हमारी सरकारें नहीं हैं। रही बात ऑक्सीजन की जो कमी आई, वो कोई उत्तर प्रदेश में केवल अकेले ही नहीं आई, महाराष्ट्र में भी आई, राजस्थान में भी आई, पंजाब में भी आई। अचानक इतने लोग जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए, उसकी अपेक्षा किसी भी प्रदेश की सरकार को नहीं थी। श्रीवास्तव जी, कोरोना महामारी तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आई, लोगों के नौकरियां गई, दुकानें बंद हुई, जो व्यापारी थे उनके व्यापार से उन लोग को हाथ धोना पड़ा, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल तो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो विश्वास कैसे पैदा करेंगे, कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, बैठकों का दौर चल रहा है, संगठन उन सारी चीजों पर चिंतन मनन कर रहा है, अभी उस विषय में कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। देखिए, जितना हमने काम किया है अपने कार्यकर्ताओं के बूते, अपने नेताओं के चेहरे पर और जिन एजेंडों को लेकर के हम आए थे, उन मुद्दों में हम कितने पे काम कर पाए, कौन रह गए, उन सबको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे जी। और ऐसा नहीं कि हमने मानने 4.5 साल कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे मुद्दों पर हमारी सरकार ने काम किया जो ऐतिहासिक मुद्दे हैं, जिनको आज तक किसी सरकार ने छूने की हिम्मत नहीं। तो उन्हीं मुद्दों को दोबारा बुनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, वो बुनाने की कोशिश वाली बात नहीं है, वो हमारे गुड वर्क है, उनको हम बताएंगे कि हमने ये किया
और हमें आगे मौका मिलेगा तो हम ये और करेंगे। ठीक है, और हमने ऐसा नहीं, हमने जिन कार्यों को किया वो ऐतिहासिक कार्य है, वो देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो माइलस्टोन वर्क है। ठीक है दिलीप जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि हम जो मुद्दे हमने इतिहास में काफी ऐतिहासिक काम किए हैं और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, यही विश्वास जनता के अंदर हम एक बार फिर से पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख ही रहे हैं कोरोना से लोग आहत हैं, परेशान हैं और किस तरह से नाराज भी हैं। वहीं किसान भी लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं बीजेपी को इन तमाम चीजों से जो खतरा है वो पैदा होगा 2022 के चुनाव में? कीर्ति जी, पहली बात तो विवेक जी की बात का जवाब यह है कि जिन ऐतिहासिक कार्यों को ये गिना रहे हैं वो ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किए हैं, केंद्र सरकार ने किए हैं। ये बात अलग है कि इन्हीं की सरकार, इसी पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, आती है। जब प्रदेश के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो देखा जाता है यहाँ की जनता आज की स्थिति यह है, स्पेशली इन पिछले 3-4 महीनों की। इसके पीछे आपने पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है और ना मुझे कुछ बहुत खराब दिख रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत खराब इस सरकार ने किया था, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा काल में 2017 से लेकर के 21 तक आपने ऐसा कोई रिमार्केबल काम इस प्रदेश में कर दिया हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो जिस भी चीज को लेकर के हो। पिछले साल जब कोरोना आया था तो आपने मैनेजमेंट अच्छा किया था, बहुत तारीफ हुई थी क्योंकि आपने मैनेजमेंट किया था। और अगर पिछले साल कोई कमी रह गई थी तो वो कमी कमी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पिछले साल ये बीमारी पहली बार पूरी दुनिया में आई और डॉक्टर्स भी इस बीमारी को ठीक तरीके से नहीं जानते थे, तो वहां मिसमैनेजमेंट हो जाना एक सामयिक है, उसमें कोई आपकी गलती नहीं। इस बार जो बेड की कमियां हुई, ऑक्सीजन की कमियां हुई, वो कमी होना भी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर कोई भी सरकार होती तो जो एकदम से रिक्वायरमेंट आ गई थी, कोई भी सरकार होती, सपा सरकार होती, बसपा होती, कांग्रेस होती, सबकी स्थिति चरमरा जाती, सबका मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता। और आपकी भी गड़बड़ाया तो आपकी गलती ये नहीं है कि मैनेजमेंट गड़बड़ाया, आपकी गलती ये है कि आपने उस गड़बड़ी को एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी गलती ये है कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कालाबाजारी हो रही, और आपने अपने ही स्टेटमेंट में एक एक्सेप्ट कर लिया कि आप कालाबाजारी को नहीं रोक पा रहे हैं। सरकार ये स्टेटमेंट दे रही है कि कालाबाजारी हो रही है और हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कैसे कर सकते हैं, आप जीरो टॉलरेंस की बात कैसे कर सकते हैं अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप कालाबाजारियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं प्रदेश में। आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार, सारी एजेंसियां आपके पास, सारे ताकत आपके पास, सब कुछ आपके पास, और आप कालाबाजारी नहीं रोक पा रहे हैं। इसके अलावा जो जिन लोगों ने पब्लिक की मदद की रही आपने उनके ऊपर FIR करा दी, लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे मदद मांगी आपने उनके ऊपर FIR करा दी, आपने कहा कि होम क्वारंटाइन हो जाइए, घर पर ही रहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन के लिए इतना लंबा प्रोसेस आपने कर दिया, दवाई के लिए इतना लंबा प्रोसेस आपने कर दिया, और आपने जनता के प्रति संवेदनशीलता नहीं। आप मीडिया में देख रहे थे क्या हाल हो रहा है, आपकी अपनी पार्टी वो के लोगों का वही हाल हो रहा था, और आप सब चीज के ज्ञानी थे, सब चीजें आपको पता थी, लेकिन आपने यहाँ पर जनता के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई। जनता इस बात से नाराज, बिल्कुल दिलीप जी, वही इस मैनेजमेंट से नाराज नहीं है जनता। वही इन सबके बीच जो स्टार प्रचारक के तौर पर बाकी चुनावों में, 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए उसमें जो स्टार प्रचारक के तौर पर वो उभरे थे, वहीं उत्तर प्रदेश में उनका चेहरा कहीं क्यों नहीं सामने लाया जाता, फिर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उनकी अगुवाई में आगे चुनाव की भी बात हो रही है। भाजपा कह रही ना, हम थोड़ी कह रहे, जनता थोड़ी कह रही कि योगी जी स्टार प्रचारक है। अगर स्टार प्रचारक होते तो बंगाल में जीत जाते चुनाव, अगर बड़ा हिंदुत्व का चेहरा होते तो बंगाल में जीत जाते चुनाव। बंगाल में तो पूरा जोर मार दिया ना इन्होंने, बंगाल तो छोड़ दीजिए, आप अपने प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए, पंचायत चुनाव में क्या हाल हुआ आपको पता है? आप स्टार प्रचारक होकर के पूरी दुनिया में आप प्रचार करते घूमिए, लेकिन आप अपने घर में हारे जा रहे हैं, आपके घर की जनता आपसे नाराज है, तो आप किस बात के स्टार प्रचारक हो गए? आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहिए। मैं भी अपने आप को बहुत काबिल आदमी कहता हूं, लेकिन मैं काबिल हूं कि नहीं तो आप डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी। और आप प्रदेश के मुखिया, जिस साल में प्रदेश की जनता को आपकी जरूरत थी, आप स्टार प्रचारक होकर के प्रचार कर रहे थे, आप यहाँ का मैनेजमेंट नहीं देख रहे थे। लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी विवेक पांडे जी से, उनसे मैं पूछना चाहूंगी, विवेक जी आपको क्या लगता है कि आप क्या इस बार गठबंधन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं या अकेले ही आप इस रण में आगे बढ़ेंगे?
आपको बता दूं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह रखा है कि जो भी छोटे दल समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके उत्तर प्रदेश के सहयोग में, उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश इसके आगे बढ़ने में हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अब वो छोटे दल चाहे जो हो, वो अगर हमसे आकर के स्वीकार करते हैं हमारी संधि, हमारे नीतियों पर आना चाहते हैं, तो हम तो स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं पहले दिन से कि प्रदेश को विकास के एजेंडे पे, छोटे दलों के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे और जो मुद्दे आपने बताए उन मुद्दों पर लड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि लास्ट में आपको किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं? आपने जिस तरह बताया कि कहीं ना कहीं, और दिलीप जी ने वो बोला कि वो केंद्र के मुद्दे थे, उनको लेकर ही क्या आप आगे बढ़ेंगे, या आप कुछ उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर भी आगे बढ़कर जनता में विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे? वो केंद्र के मुद्दे जरूर थे, लेकिन पूरी प्रदेश की जनता ये जानती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके गुजरता है, और जिन मुद्दों पे हम आज काम कर पाए हैं वो तभी कर पाए हैं जब हमने उत्तर प्रदेश से ताकत दी है, और ये ताकत जनता फिर से देगी। बिल्कुल, दिल्ली का रास्ता होके गुजरता है, लेकिन सफर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। जितने डेवलपमेंट के मोर्चे पर जो ऐतिहासिक कार्य हमने किए हैं, आप आंकड़े देख लीजिए, उस पर हमें बार बार कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 70 सालों में कितने मेडिकल कॉलेज बने, हमने कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितनी एक्सप्रेस वे बनाए, कितने कारखानों की बात हुई, वो सब प्रोजेक्ट पे हैं और उस पर काम बहुत स्पीड से चल रहा, तमाम मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, ये सब ऐतिहासिक कार्य हैं। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपने कार्यों पर एक बार और जनता एक बार फिर आपकी पार्टी पर विश्वास और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जाएगी। भविष्य के गर्भ में कोरोना का कहर जनता तक नहीं, हमारे पार्टी तक भी पहुंचा, हमारे घरों तक भी पहुंचा, हम भी आहत है। अभी कल हमारी पूर्व प्रदेश मंत्री नहीं भाजपा की, मधु मिश्रा जी, हम सब लोग मतलब इससे आहत है। तो ऐसा नहीं, कोरोना का कहर तो हमारे घर तक भी पहुंचा है, 3 लाख मौतों से हर कोई आहत है, लेकिन तो ये ऐसा नहीं है, इसमें सब लोग शामिल हैं और इसमें जनता का विश्वास डगमगाया है, तो इस पर कार्य करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लगातार ये सामने आ रहा है कि डैमेज हुआ है, कोरोना को लेकर हो या किसानों के मुद्दे पर हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन इन मुद्दों को लेकर बीजेपी कैसे आगे बढ़ती है और केशव प्रसाद मौर्य का ये दावा 300 पार, ये किस हद तक साबित होता है 300 पार सीटें बीजेपी लेकर आ पाती है या नहीं, और जनता में विश्वास एक बार फिर से पैदा कर पाती है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।